नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि अगर डायबिटीज़ का कोई मरीज़ है तो उसको कब अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना आई का चेकअप कराना चाहिए। उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन सीरीज़ में मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि किस तरीके से डायबिटीज़ हमारे आँख के पर्दे को ख़राब करती है, हमारी आँख में और क्या समस्याएँ करती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कब हमें हमें क्या क्या सिम्टम लगे तो हमें किसी डॉक्टर के पास तुरंत जाके दिखाना चाहिए। तो स्वागत है आपका, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इस वीडियो में डायबिटीज़ और आई केयर के बारे में आपसे बात करूँगी। देखिए, अगर एक शुगर के मरीज़ को एक नॉर्मल मरीज़ की तुलना में 20% 20 गुना ज़्यादा संभावना होती है कि उसकी आँख की रोशनी कम हो जाए, तो अगर आपको कभी भी कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कभी भी इनमें से कोई भी साइन आपको लगे तो आप तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाइएगा, उन साइंस को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको आँख के सामने छल्ले से दिखाई दे, आँख के सामने कोई मक्खी या कोई मच्छर सा उड़ता हुआ दिखाई दे, आपके सर में बहुत तेज़ दर्द हो, आँख में बहुत तेज़ दर्द हो, आँख एकदम से लाल पड़ जाए या आपकी रोशनी एकदम से कम हो जाए, तो तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि ये हमारे पर्दे में खराबी के लक्षण हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि शुगर हमारे आँखों पर क्या प्रभाव डालती है। जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो वो हमारे शरीर की हर कोशिका को, हर सेल को कमज़ोर करती है। यही काम वो हमारी आँख में भी करती है। एक लंबे समय तक जब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो हमारी जो आँखों की जो नसों की जो सेल्स होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। हमारी आँखों की जो खून की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, और जब वो कमज़ोर होने लगती हैं तो वो धीरे धीरे करके फटने लगती हैं। अब इनके फटने की वजह से हमारे पर्दे पर और हमारे आँख में जो अंदर पानी भरा होता है उसमें बहुत बार खून आ जाता है, और इस खून के आने की वजह से हमें देखने में परेशानी होती है। इसे हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर आई रेटिनोपैथी कहते हैं। तो जब भी ऐसा हो कि आपको पता चले कि आपको शुगर है, आप सबसे पहली बात एक बार किसी आई डॉक्टर के पास जाकर अपने पर्दे का चेकअप ज़रूर करा लें। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें मोतियाबिंद होने का खतरा ज़्यादा होता है। मोतियाबिंद में हमारे लेंस पर एक धुंध सी जम जाती है। इस धुंध की वजह से हमें जो प्रकाश हमारी आँख में पड़ता है वो उसके आर पार नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमारी रोशनी कम हो जाती है। तो इसका ऑपरेशन आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी अच्छी टेक्निक्स उपलब्ध हैं, जिसमें कि जो हमारा नेचुरल लेंस होता है उसको निकाल के एक दूसरा आर्टिफिशियल लेंस वहाँ पर डाल दिया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ हमारी आँखों में सूखापन कराती है, हमारी आँखों में कभी कभी जलन भी कराती है, और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ बहुत लंबे समय तक रहे तो हमारी आँखों में ये काला मोतिया, काला पानी, ग्लॉकोमा या समलवाई भी करा सकती है। इसमें क्या होता है कि हमारी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जब हमारी आँख का प्रेशर बढ़ता है तो जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व हमारी आँख को हमारे दिमाग से जोड़ती है, ये सिग्नल लेके जाती है हमारी आँख से कि जो भी चीज़ हमें दिख रही है वो हमारा दिमाग फिर उस चीज़ को समझता है। तो ये एक तार की तरह होता है जो कि हमारी आँख को हमारे दिमाग से जोड़ता है। तो जब हमारी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये जो हमारी आई ऑप्टिक नर्व होती है इसके सेल्स धीरे धीरे से कोशिकाएँ धीरे धीरे मरने लगती हैं, और इसकी वजह से हमारी रोशनी कम हो जाती है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं वो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपना नियमित आई चेकअप कराएं, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें, धूम्रपान स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें, नियमित एक्सरसाइज करें, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज जो कि बहुत भारी होती है, जैसे कोई भारी वजन उठाना हो गया या घर में भी भारी वजन उठाना या फिर जिम में जाके भारी वजन उठाना, इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करें। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को अपने सारे फैमिली ग्रुप में और ऐसे लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको डायबिटीज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर आइज। थैंक यू, नमस्कार।